गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम जीके में ओरल पार्ट के एब्रीवेशंस एंड फुल फॉर्म्स को लर्न करेंगे। तो आज हम क्या लर्न करेंगे? आज हम एब्रीवेशंस एंड फुल फॉर्म को लर्न करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये होते क्या हैं। फुल फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड का पूरा रूप, पूरा नाम। और एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है कि जो फुल फॉर्म होते हैं उसमें से कुछ शब्द को लिया जाता है और एक शब्द बनाया जाता है। ठीक, तो चलिए लर्न करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, आपकी जो फर्स्ट एब्रीवेशन है वो क्या है? LKG। और LKG की फुल फॉर्म क्या है? लोअर किंडर गार्डन। क्या है? लोअर किंडर गार्डन। ठीक, तो LKG हो गई एब्रीवेशन एंड लोअर किंडर गार्डन हो गया फुल फॉर्म। अब देखिए ये LKG कैसे बना। हमने लोअर का ले लिया L एंड किंडर का ले लिया K एंड गार्डन का ले लिया G, तो हमारा बन गया LKG। आपको समझ में आया? तो लोअर किंडर गार्डन का एब्रीवेशन क्या है? LKG। बोलिए मेरे साथ, LKG की फुल फॉर्म क्या है? लोअर किंडर गार्डन। समझ में आया आपको? चलिए देखिए, ऐसे ही आपका ये जो सेकंड नंबर का एब्रीवेशन है वो क्या है? UKG। क्या है? UKG। ये भी ऐसे ही बना है, तो UKG की फुल फॉर्म क्या है? अपर किंडर गार्डन। UKG की फुल फॉर्म क्या है? अपर किंडर गार्डन। अब देखिए, अपर किंडर गार्डन से एब्रीवेशन कैसे बना? अपर से ले लिया यू, किंडर से ले लिया के एंड गार्डन से ले लिया जी, तो हो गया UKG। समझ में आया आपको? तो UKG की फुल फॉर्म क्या है? अपर किंडर गार्डन। बोलिए मेरे साथ, अपर किंडर गार्डन का एब्रीविएशन क्या है? UKG। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, थर्ड जो हमारा एब्रीविएशन है वो क्या है? PM। सबसे पहले जानते हैं ये PM क्या होता है। देखिए, दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के जो समय होता है हम उसमें PM का यूज़ करते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि शाम के 6 बजे हैं, तो आप कैसे बोलोगे? क्या लगाओगे? 6 PM। ठीक, तो दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के समय में हम क्या लगाते हैं? PM। तो PM की फुल फॉर्म क्या है बताइए? पोस्ट मेरिडियम। क्या है? पोस्ट मेरिडियम। PM की फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट मेरिडियम। और पोस्ट मेरिडियम का एब्रीवेशन क्या है? PM। ये कैसे बना? पोस्ट से ले लिया P, मेरिडियम से ले लिया M, तो बन गया PM। ओके, समझ में आया आपको? चलिए ऐसे ही आपका है AM। अब AM का कहाँ यूज़ होता है? अब देखिए, रात के 12 बजे के बाद दोपहर के 12 बजे तक के समय में हम लगाते हैं AM। क्या लगाते हैं? AM। तो AM की फुल फॉर्म क्या है? एंटी मेरिडियम। क्या है? एंटी मेरिडियम। तो अगर आपको बोलना हो कि सुबह के 5 बजे हैं, तो आप 5 बजे के साथ क्या लगाएंगे? AM। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सुबह के 5 बजे हैं। ठीक, 5 AM। समझ में आया आपको? तो AM की फुल फॉर्म क्या है? एंटी मेरिडियम। कैसे बना ये एंटी मेरिडियम एब्रीवेशन? एंटी से ले लिया A, मेरिडियम से ले लिया M, तो बन गया AM। एंटी मेरिडियम का एब्रीवेशन क्या है? AM। AM की फुल फॉर्म क्या है? एंटी मेरिडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आपका है डीआर, ये तो आप जानते होंगे। डीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉक्टर, आप जानते हो ना, तो डॉक्टर का एब्रीवेशन क्या होता है? डीआर। और डीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉक्टर। डॉक्टर का एब्रीवेशन क्या होता है? डीआर। और डीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? बोलिए, डीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉक्टर। समझ में आया आपको? देखिए, आपका जो अगला एब्रीवेशन है वो क्या है? क्या बोलेंगे? ईटीसी। क्या बोलेंगे? ईटीसी। अब ईटीसी का यूज कहाँ होता है? देखिए, अगर हमें, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, आपसे कोई पूछे कि आज आपने क्या क्या खाया, तब आप बोलते हो ना कि आज मैंने बर्गर खाया, पिज़्ज़ा खाया और दाल चावल आदि, बोलते हो ना आदि। तो आदि को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईटीसी। और ईटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एटसेट्रा। क्या होती है? एटसेट्रा। बोलिए मेरे साथ, ईटीसी की फुल फॉर्म एटसेट्रा। एटसेट्रा का एब्रीवेशन ईटीसी। तो देखिए, ये कैसे बना? एट ले लिया पूरा और सेक्टरा से सी ले लिया, तो बन गया ईटीसी। समझ में आया आपको? आगे बढ़े, चलिए देखिए, आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है? एब्रीवेशन आईई। क्या है? आईई। आईई की फुल फॉर्म क्या है? एडेस्ट। क्या है? एडेस्ट। ठीक, तो एडेस से ले लिया आई और एस से ले लिया ई, तो बन गया आई ई। आई ई की फुल फॉर्म क्या है? एडेस्ट। क्या है? एडेस्ट। एडेस्ट का एब्रीवेशन क्या है? आई ई। ओके, देखिए आपका जो 9 नंबर का एब्रीवेशन है वो क्या है? बोलिए, मिस्टर। क्या है? मिस्टर। और मिस्टर की, मिस्टर है आपकी फुल फॉर्म और एम आर है एब्रीवेशन। तो देखिए, मिस्टर का कहाँ यूज़ होता है? जैसे आप लोगों ने, आप लोग लगाते हो ना अपने पापा के नाम के आगे मिस्टर लगाते हो ना, जैसे आपसे पूछे कोई कि आप अपने पापा का नाम बताइए, तो आप बताते हो ना, क्या बताते हो? मिस्टर राहुल अग्रवाल, मिस्टर पवन जैन, है ना। तो अगर हमें किसी आदमी का नाम लेना हो तो हम उसके आगे लगाते हैं मिस्टर। ओके, तो मिस्टर का एब्रीवेशन क्या होता है? एम आर। एम आर की फुल फॉर्म क्या होती है? मिस्टर। समझ में आया आपको? एम आर की फुल फॉर्म क्या होती है? मिस्टर। और मिस्टर का एब्रीवेशन क्या होता है? एम आर। ऐसे ही अगर हमें किसी लेडी के आगे लगाना होता है, किसी लेडी के नाम के आगे हमें उन्हें सम्मान देने के लिए शब्द लगाना होता है, तब हम लगाते हैं मिसेज। पर आप एक चीज़ का याद रखिएगा, आप मिसेज कब लगा सकते हैं? उस लेडी की शादी हो गई हो, वो लेडी मैरिड हो, तब आप लगाते हैं मिसेज। क्या लगाते हैं? मिसेज। और मिसेज की एब्रीवेशन क्या होती है? एमआरएस। क्या होती है? एमआरएस। एमआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है? मिसेज। तो मिसेज का यूज़ आप कब करते हो? अगर लेडी की शादी हो गई होती है तब हम मिसेज का यूज़ करते हैं। ओके, समझ में आया आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका जो 11 नंबर का एब्रीवेशन एंड फुल फॉर्म है वो क्या है? एब्रीवेशन है एटीएम एंड फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये एब्रीवेशन कैसे बना? देखिए, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ऑटोमेटेड से ले लिया ए, टेलर से ले लिया टी, मशीन से ले लिया एम, तो बन गया एटीएम। तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। समझ में आया आपको? देखिए, आपका जो नेक्स्ट एब्रीवेशन एंड फुल फॉर्म है वो क्या है?
एब्रीवेशन है CPU, फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होती है, ये जो हमारा कंप्यूटर होता है ये उसका ब्रेन होता है। CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एब्रीवेशन क्या है, CPU। तो सेंट्रल से ले लिया C, प्रोसेसिंग से ले लिया P, यूनिट से ले लिया U, तो हमारा बन गया CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए आपका एब्रीवेशन एंड फुल फॉर्म क्या है। आपका एब्रीवेशन है USB। ये क्या होते हैं, ये आपकी इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम बोलते हैं पेन ड्राइव। क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव, आपने देखी होगी जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर रख सकते हैं। ठीक, तो USB की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल से ले लिया U, सीरियल से ले लिया S एंड बस से ले लिया B, तो हमारा बन गया USB। ठीक, तो USB की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। समझ में देखिए आपका जो नेक्स्ट एब्रीवेशन है वो क्या है, AIR। AIR की फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया रेडियो। क्या है, ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो का एब्रीवेशन क्या है, AIR। ये कैसे बना, देखिए ऑल से ले लिया A, इंडिया से ले लिया I, रेडियो से ले लिया R, तो बन गया AIR। AIR की फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया रेडियो। समझ में आया आपको, देखिए आपका अगला एब्रीवेशन क्या है, AMU। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये क्या है, ये अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कॉलेज की पढ़ाई होती है। ठीक, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एब्रीवेशन क्या है, AMU। ये कैसे बना, देखिए अलीगढ़ से ले लिया A, मुस्लिम से ले लिया M एंड यूनिवर्सिटी से ले लिया U, तो आपका बन गया AMU। समझ में आया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए 16 नंबर का आपका एब्रीवेशन एंड फुल फॉर्म क्या है। देखिए आपका एब्रीवेशन है BC। क्या है, BC। BC की फुल फॉर्म क्या होती है, बिफोर क्राइस्ट। क्या होती है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक, तो देखिए ये कैसे बनी है एब्रीवेशन, बिफोर से ले लिया B और क्राइस्ट से ले लिया C, तो आपका बन गया BC। BC की फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्राइस्ट। क्या है, बिफोर क्राइस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आपका जो 17 नंबर का एब्रीवेशन एंड फुल फॉर्म है वो क्या है, एब्रीवेशन है AD एंड फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। क्या है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का एब्रीवेशन है AD। कैसे बना, एनो से हो गया A और डोमिनी से हो गया D, तो बन गया AD। AD की फुल फॉर्म क्या है, एनो डोमिनी। बोलिए मेरे साथ, AD की फुल फॉर्म एनो डोमिनी। और देखिए आपका जो एब्रीवेशन है वो क्या है, CBSE। क्या है, CBSE। अरे हाय, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए ये कैसे बना, सेंट्रल से हो गया C, बोर्ड से हो गया B एंड सेकेंडरी से हो गया S एंड एजुकेशन से हो गया E, तो बन गया CBSE। CBSE की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके,
देखिए आपका जो अगला एब्रीवेशन है वो क्या है, CID. क्या है? CID. CID की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट. क्या होती है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट. तो देखिए ये एब्रीवेशन कैसे बना, क्रिमिनल से हो गया C, इन्वेस्टिगेशन से हो गया I एंड डिपार्टमेंट से हो गया D. तो बन गया CID. तो CID की फुल फॉर्म क्या है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट. देखिए एब्रीवेशन क्या है, DM. DM की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. बोलिए मेरे साथ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. तो ये एब्रीवेशन कैसे बना, डिस्ट्रिक्ट से ले लिया D और मैजिस्ट्रेट से ले लिया M, तो हो गया आपका DM. तो DM की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. बोलिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. देखिए आपका जो अगला एब्रीवेशन एंड फुल फॉर्म है वो क्या है, CCTV. CCTV ये क्या होता है? देखिए आप लोगों के घर पे भी होगा, तो क्या होता है, एक कैमरा लगा होता है किसी रूम में और हम उस रूम की एक्टिविटी किसी दूसरे रूम में बैठकर देख सकते हैं, है ना. तो इसे क्या बोलते हैं, CCTV. तो CCTV की फुल फॉर्म क्या है, बोलिए. देखिए क्या है इसकी फुल फॉर्म, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न. क्या है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न. तो इसका एब्रीवेशन क्या है, CCTV. क्या है? CCTV. कैसे बनाइए, क्लोज से हो गया C, सर्किट से हो गया C एंड टेलीविज़न को हम बोलते हैं TV, है ना. तो ये हो गया CCTV. ओके. और देखिए आपका अगला जो आपका एब्रीवेशन है वो क्या है, LIC. क्या है? LIC. LIC की फुल फॉर्म क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. तो इसका एब्रीवेशन क्या है, LIC. लाइफ का L, इंश्योरेंस का I एंड कॉरपोरेशन का C. तो बन गया LIC. LIC की फुल फॉर्म क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. बोलिए मेरे साथ, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. और देखिए आपका जो अगला एब्रीवेशन है वो क्या है, LPG. बोलिए मेरे साथ, LPG. LPG की फुल फॉर्म क्या है, क्या है? इसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. क्या है? बोलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ये क्या होती है, देखिए आपके घर में जो सिलेंडर होता है ना, जिससे खाना बनता है, गैस में जो गैस आती है उसको बोलते हैं सिलेंडर. तो सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी होती है वो होती है LPG. तो LPG की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक. अब ये एब्रीवेशन कैसे बना, लिक्विफाइड से हो गया L, पेट्रोलियम से हो गया P एंड गैस से हो गया G. तो हो गया LPG. समझ में आया? तो LPG की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. और देखिए आपका जो अगला एब्रीवेशन है वो क्या है, PTO. बोलिए मेरे साथ, PTO. तो PTO की फुल फॉर्म क्या है, प्लीज टर्न ओवर. क्या है? प्लीज टर्न ओवर. तो PTO की फुल फॉर्म क्या है, प्लीज टर्न ओवर. और प्लीज टर्न ओवर का एब्रीवेशन क्या है, PTO. ये कैसे बना, प्लीज से हो गया P, टर्न से हो गया T, ओवर से हो गया O. तो बन गया PTO. तो PTO की फुल फॉर्म क्या है, प्लीज टर्न ओवर. देखिए आपका जो अगला एब्रीवेशन है वो क्या है, UK. UK कंट्री है जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड किंगडम. क्या है? यूनाइटेड किंगडम. ठीक. तो यूनाइटेड किंगडम का एब्रीवेशन क्या है, UK. ये कैसे बना, यूनाइटेड से हो गया U एंड किंगडम से हो गया K. तो बन गया UK.
तो यूके की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड किंगडम। क्या है यूके की फुल फॉर्म? यूनाइटेड किंगडम। समझ में आया आपको? देखिए आपका जो अगला एब्रीवेशन है क्या है? यूएसए। क्या है? यूएसए। तो यूएसए की फुल फॉर्म क्या है? बोलिए मेरे साथ, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एब्रीवेशन क्या है? यूएसए। कैसे बना? देखिए यूनाइटेड से हो गया यू एंड स्टेट से हो गया एस एंड अमेरिका से हो गया ये तो ए, तो बन गया यूएसए। तो यूएसए की फुल फॉर्म क्या है? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और देखिए बी आई पी। बी आई पी क्या है? एब्रीवेशन। तो बी आई पी की फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो सेलिब्रिटीज होते हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं तो उनको बोलते हैं बी आई पी। ठीक, तो बी आई पी की फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक, कैसे बना? वेरी से हो गया वी, इंपॉर्टेंट से आई एंड पर्सन से पी, तो हो गया वी आई पी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। समझ में आया आपको? और देखिए आपका जो अगला एब्रीवेशन है वो क्या है? डब्लू 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 डब्लू। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए इसका कहाँ यूज़ होता है? जब हम कोई भी वेबसाइट का नाम डालते हैं तब उसके आगे डब्लू 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 लगाया जाता है ना, बोलते हैं ना डब्लू 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 डॉट कॉम, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो देखिए ये कैसे बना एब्रीवेशन? वर्ल्ड से डब्लू और वाइड से डब्लू एंड वेब से भी डब्लू, तो हो गया डब्लू डब्लू डब्लू। और देखिए आपका जो अगला एब्रीवेशन है वो क्या है? एच टी टी पी। क्या है? एच टी टी पी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये कैसे बना एब्रीवेशन? हाइपर से हो गया एच, टेस्ट से हो गया टी एंड ट्रांसफ़र से भी टी और प्रोटोकॉल से हो गया पी, तो बन गया एच टी टी पी। तो एच टी टी पी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, देखिए आपका जो अगला एब्रीवेशन है वो क्या है? बी एम डब्लू। क्या है? बी एम डब्लू। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है? बवेरियन मोटर वर्क्स। क्या है? बवेरियन मोटर वर्क्स। तो क्या है बी एम डब्लू की फुल फॉर्म? बवेरियन मोटर वर्क। कैसे बनाए एब्रीवेशन? देखिए बवेरियन से हो गया बी, मोटर से हो गया एम एंड वर्क से ले लिया डब्लू, तो हो गया बी एम डब्लू। समझ में आया आपको? तो अब हमने कितने लर्न कर लिए? 1 to 30 एब्रीवेशन एंड फुल फॉर्म्स को हमने लर्न कर लिया। तो हमने 1 to 30 एब्रीवेशन एंड फुल फॉर्म्स को लर्न कर लिया है। अब हम जल्दी से 31 to 40 एब्रीवेशन एंड फुल फॉर्म्स को लर्न करते हैं। तो देखिए आपका 31 पे जो एब्रीवेशन है वो क्या है? बी ए। क्या है? बी ए। बी ए की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। क्या होती है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये आर्ट्स का एक डिप्लोमा होता है। ठीक, तो बी ए की फुल फॉर्म क्या होगी? बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये एब्रीवेशन कैसे बना? देखिए बैचलर से हो गया बी एंड आर्ट्स से हो गया ए, तो बन गया बी ए। तो बी ए की फुल फॉर्म क्या होगी? बैचलर ऑफ आर्ट्स। क्या होगी? बैचलर ऑफ। तो देखिए अगला एब्रीवियेशन क्या है? बी ए आर सी। क्या है? बी ए
आरसी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है इसकी फुल फॉर्म? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये एब्रिविएशन कैसे बना? देखिए, भाभा से हो गया बी, एटॉमिक से हो गया ए, रिसर्च से हो गया आर और सेंटर से हो गया सी, तो हो गया बी ए आर सी। ओके, आगे बढ़े। एब्रिविएशन है वो क्या है? बीबीसी। क्या है? बीबीसी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बिट्रिस्ट बोर्ड कास्टिंग कॉर्पोरेशन। क्या है? बिट्रिस्ट बोर्ड कास्टिंग कॉर्पोरेशन। ठीक, बीबीसी की फुल फॉर्म क्या है? बिट्रिस्ट बोर्ड कास्टिंग कॉर्पोरेशन। ये कैसे बना एब्रिविएशन? बिट्रिस्ट से बी, बोर्ड कास्टिंग से बी एंड कॉर्पोरेशन से सी, तो हो गया बीबीसी। तो बीबीसी की फुल फॉर्म क्या है? एक बार मेरे साथ बोलिए, बिट्रिस बोर्ड कास्टिंग कॉर्पोरेशन। ओके, आगे बढ़े। चलिए, ये है बीकॉम। अभी हमने पढ़ा था बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये है बीकॉम। तो बीकॉम की फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये कॉमर्स का डिप्लोमा होता है। ठीक, तो बीकॉम की फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो बैचलर ऑफ कॉमर्स से बीकॉम कैसे बना? देखिए, बैचलर से बी एंड कॉमर्स का कॉम, तो हो गया बीकॉम। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ये है बीएड। बीएड है एब्रिविएशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये भी एजुकेशन का डिप्लोमा है। ठीक, तो बीएड की फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। क्या है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। समझ में आया आपको? ये एब्रिविएशन कैसे बना? बैचलर से बी, एजुकेशन से ईडी, तो हो गया बीएड। समझ में आया? चलिए और देखिए, आपका अब आता है बीएचयू। क्या आता है? बीएचयू। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अभी हमने पढ़ा था एएमयू, उसकी फुल फॉर्म क्या थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऐसे ही बीएचयू है, इसकी फुल फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसका एब्रिविएशन कैसे बना? बनारस से बी, हिंदू से एच एंड यूनिवर्सिटी से यू, तो हो गया बीएचयू। तो बीएचयू की फुल फॉर्म क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। समझ में आया आपको? देखिए, आपका जो 37 नंबर पर है एब्रिविएशन, वो क्या है? बीजेपी। अभी तो आप जानते होंगे कि बीजेपी क्या है। बीजेपी एक पॉलिटिकल क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक, जिसका नाम है बीजेपी। ठीक, तो बीजेपी की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी। क्या है? भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एब्रिविएशन कैसे बना? भारतीय से हो गया बी, जनता से हो गया जे एंड पार्टी से हो गया पी, तो बन गया बीजेपी। ओके, देखिए आपका जो अगला एब्रिविएशन है वो क्या है? बीपी। बीपी एक बीमारी होती है। ठीक, तो बीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लड प्रेशर। क्या होती है? ब्लड प्रेशर। तो बीपी की फुल फॉर्म क्या है? ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर का एब्रिविएशन कैसे बना? ब्लड से हो गया बी एंड प्रेशर से हो गया पी, तो बन गया ब्लड प्रेशर। समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखिए, आपका 39 नंबर पर जो एब्रिविएशन है वो क्या है? बीएससी। क्या है? बीएससी। ये है बैचलर ऑफ साइंस। ये भी डिप्लोमा है साइंस का। तो बीएससी की फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ साइंस। क्या है? बैचलर ऑफ साइंस। तो ये कैसे बना एब्रिविएशन? कैसे बना इसका? बैचलर से हो गया बी एंड साइंस का हो गया एससी, तो हो गया बीएससी। लास्ट आपका एब्रिविएशन है ये, क्या है? बीएसएफ। क्या है? बीएसएफ। तो बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
लास्ट आपका एब्रिविएशन क्या है, BSF, क्या है BSF, तो BSF की फुल फॉर्म क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बोलिए मेरे साथ BSF की फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक, इसका एब्रिविएशन कैसे बना, बॉर्डर से B, सिक्योरिटी से S एंड फोर्स से F। जो हमारे देश के बॉर्डर होते हैं पाकिस्तान चीन, तो वहाँ पर काफ़ी सारे बॉर्डर होते हैं, तो वहाँ पर जो फोर्स खड़ी रहती है उसको बोलते हैं BSF। ठीक, तो BSF की फुल फॉर्म क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। समझ में आया आपको, तो आज हमने क्या लर्न किया, आज हमने 1 to 40 एब्रिविएशन एंड फुल फॉर्म्स को लर्न किया। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में ऑल एब्रिविएशन एंड फुल फॉर्म्स को लर्न करना है, लिखना नहीं है। ओके, गुड।